सृष्टि कल्पना का यह माया प्रपंच अमृत मंथन का मूल कारण बन बैठा। नीलकंठ का सहारा लेकर प्रलयाग्नि का कठोर ताप को संभल पाया। निरामय चिदाकाश से शब्द ब्रह्म स्पंदित हुआ। नाद बिंदु कला में बटकर प्रपंच को वशीकृत किया। अंबर के हृदय से ध्वनि मंडल का आगमन हुआ। वायु अग्नि अंबु वसुंधरा के बाहों में सिमटने लगे। पंचभूत से स्वर बोले पंचरत्न का गाथा गाने लगे। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। देखत सुनत विचारत यहाँ निज स्वभाव नहीं त्याग, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। देखत सुनत विचारत यहाँ निज स्वभाव नहीं त्याग। त्यागराज பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைன்னு பல ஊர்களில் பண்ணியிருக்கார். அதில் லால்குடி பஞ்சரத்னம், கோவூர் பஞ்சரத்னம், திருவொற்றியூர் பஞ்சரத்னம், ஸ்ரீரங்கம் பஞ்சரத்னம், கனராக பஞ்சரத்னம், இப்படி பல வகைகள் இருக்கு. இந்த கனராக பஞ்சரத்னங்கிறது நாட்டை கவுள ஆரபி வராளி ஸ்ரீராகம் இந்த அஞ்சு ராகங்களில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த கனராகங்கிறது எப்படி பேர் வந்ததுன்னு கேட்டால், அந்த காலத்தில் வாகேயக்காரர்கள் எல்லாருமே வைணிக்காலாக இருந்திருக்காங்க. அப்போது தானம் வாசிக்கிறதுக்கு இந்த ராகங்கள் ரொம்ப வசதியாக இருக்கிறதுனால இதை தேர்ந்தெடுத்து கனராக பஞ்சகம் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுத்தார். தியாகராஜர் ஜெகதானந்த கரகா, துடுகுகலை, சாதிம்சனை, கனகன ருச்சிரா, எந்திரோ மகானுபாவுல் இப்படி அஞ்சு கீர்த்தனை பண்ணியிருக்கார். இதில் ஜெதி விநியாசங்களை பண்ணியிருக்கார். லயத்தில் என்னென்ன வேறுபாடுகள் பண்ணலாம், வெரைட்டிஸ் கொடுக்கலாம், எல்லாம் அதில் அழகாக பண்ணியிருக்கார். அதனுடைய சாகித்ய பாவமும் அந்த சுரமும் சேர்ந்து பாடுறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. திருவையாறில் சுவாமிகளுடைய சமாதி உள்ள அந்த திருவையாறில் ஒரு 40-45 வருஷமாக இந்த பஞ்சரத்தனத்தை பாடுறதுன்னு ஒரு வழக்கத்தில் இருந்திருக்கு. अपने पहले पंचरत्न कृति जो कि राग नाट में निबद्ध है, उसमें संत त्यागराज भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं, जगत को आनंदित करने वाले जानकी के प्राणेश्वर तुम्हारी जय हो।
सूर्य के वंश में उत्पन्न राजराजेश्वर, सद्गुणों के निधान, देवताओं के आराध्य, उदार पूर्ण अमर तारक। के कुमुद समूह को विकसित करने वाले चंद्र, स्तुत्य वेद रूप कमल से उत्पन्न, वैरियों रूपी बादलों को उड़ाने वाले समीरण, गरुड़ वाहन सत्कवि के हृदय में निवास करने वाले अनेक वानर राजाओं के द्वारा वंद्य चरण, मणि सदृश्य कांति वाले, चंद्र और सूर्य रूप दो नेत्र वाले परमेश्वर शिव शंकर के आराध्य। इंद्र नील मणि सन्निधाप घन चंद्र सूर्य नयना प्रमेय बागींद्र जनक सकलेश नागेन्द्र शयन समन वैर सन्मुख जगदा नंद का हर जय जानकी नायक। हाथ में धनुष धारण करने वाले, अशेष असुरों का मद हरने वाले, प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित चरित्र, त्यागराज द्वारा वंदित, पाद विजित मौनि सब सब परिपा सबर मंत्र ग्रहण लोल परम शांत चित्त जनक स्थिति और प्रलय करने वाले, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इंद्रसुत जयंत और समुद्र का गर्व खर्व करने वाले, उद्वारक परम शांत, सीतापति कमलोद्भव पुराण पुरुष नर रूप करके खर विराध रावण को वश में करने वाले, सृष्टि स्थित्यं व्यकार कामित कामत फलदा समान गात्र शशीपतिनुता प्रिमत हरानुतागरा करालित कथा सारहित जग नया नंदका अरका जय जान। सज्जनों के मानस रूपी समुद्र में ज्वार उमड़ाने वाले चंद्र, पुष्पक विमान पर आरूढ़ होते समय देवताओं द्वारा वंद्यमान, सज्जन मानस सुधा कर कुसुम विमान
ओंकार रूपी पिंजरे के भीतर रहने वाले शुक, शरणागत जनों के पालक निर्विकार, वेदों के सार रूप लक्ष्मी रमण, नृसिंहवर तुम्हारे समक्ष त्यागराज आदि प्रणत हैं। अपने दूसरे पंचरत्न जो राग गौल में कृत है उसको प्रभु को समर्पण करते हुए त्यागराज भक्ति और विवेक की भावना जगाते हैं। वे कहते हैं, भगवान के स्वरूप को समझे बिना बचपन से ही नाना प्रकार के असत साधनों के द्वारा द्रव्यार्जन करने वाले भोग विलास परायण दोषमय संसार सागर में डूबे हुए मेरे जैसे आडंबरी पापी का उद्धार तुम्हारे बिना कौन करेगा। दुडुकु गल नन्ने दोर कोडुगु दोचुर एंतो और मन दोनों से अगोचर प्रभो इस अभागे ने भक्त का नाटक किया है और भक्ति संगीत से इसका अश्म हृदय कभी द्रवित नहीं हुआ। तुम्हारे मुख कमल का कभी इसने ध्यान नहीं किया, बराबर कुसंग में रहा, विषयों में डूबा रहा और निरंतर पाप पर पाप करता रहा। कभी इस अधम शरीर ने यह नहीं सोचा कि मानव देह बड़े सुकृत से और भगवान की परम कृपा से मिलता है, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य आदि से वंचित होता रहा, यहाँ वहाँ भटकता रहा। तुम्हें छोड़ कौन इस पापी का उद्धार करेगा। दुरासा रोयले तो सदा
நெஞ்சி பரமானந்தமுந்தலேக மதமத்சர காமலோபமோ குலகுதாசுடை மோசபோதிதாக மொதடி குலசுடகு சுகுவினி சுத்துலு பனுலு சல்புச்சு நுந்தினிகாக நாரத முலனு கோரி சாரசீன மதமுலனு சாதிங் தாருவாகுகல நன்னே தோர கொடுகு और भी जैसे घन राग में त्यागराज अपने तीसरे पंचरत्न में भगवान की विलक्षणता बतलाते हुए उनकी स्तुति करते हैं। हे परमात्मा, आपने कहा था कि शरण में आए हुए भक्तों की मैं रक्षा करूंगा, लेकिन आप तो बराबर भक्तों से कतराते रहते हैं और अपना वचन कभी पूरा नहीं करते। सागादिन चन्ने ओ मनसा सागादिन चन्ने ओ मनसा सागादिन चन्ने ओ मनसा सागादिन चन्ने ओ मनसा சாதிஞ்சனேங்கிற கீர்த்தனையில் ஒரு சின்ன மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு. அதாவது இந்த நாலு பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகளும், நான் சொல்கிறத நாலு ரத்தனங்களும் சரணம் பாடுறபோது திரும்ப பல்லவியை தான் எடுக்கிறான். ஜெகதாந்தகாரகா சரணம் பாடிட்டு ஜெகதாந்தகாரகா, துடுகோட சரணம் பாடிட்டு துடுகுக்கில், சாதிஞ்சனை பாடிட்டோ சாதிஞ்சனை எடுக்காமல் சமயா நிக்கிங்கிறது பிற்காலத்தில் வந்துடுத்து வழக்கத்தில். சமயானிக்கிங்கிறது எட்டாவது சரணம். எட்டாவது சரணத்தை சரணமாக சரணத்தினுடைய எடுப்பாக எடுக்கிறதுன்னு ஒரு பழக்கத்தில் வந்துருத்து. அர்த்தபாவத்தில் பார்த்தா கூட இந்த கீர்த்தனத்தில் ராமர் பேர்லேயும் கிருஷ்ணர் பேர்லேயும் ஸ்தோத்திரமாக அவர் செஞ்சிருக்கார். இப்போது கிருஷ்ணர் பேரில் வரபோதும் சமயானிக்கு தகு மாட்டலான்னு சமயத்துக்கு தகுந்தபடி பேசுகிறாங்கிறது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குது. ஆனால் ராமர் பற்றி வரபோது ராமர் ஒக்க மாட்டை ஒக்க பானை ஒக்க பத்தினி ஒரே வார்த்தை தான் அப்படிங்கிற போது அவரை ராமரை சமயத்துக்கு தகுந்தபடியெல்லாம் பேசினார்னு சொல்கிறது வந்து அவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்காது. அதுவும் திரும்ப திரும்ப ராமச்சந்திரடும் சமயானிக்கு தகு மாட்டலாடனே அப்படி சொல்கிறது பொருத்தமாக இருக்காதுன்னு சில பேர் என்ன பண்ணுறார், இந்த சரணம் பாடி தேவகி வசுதே முதல்ல முதல் சரணத்தை பாடிட்டு சாதிஞ்சனை எடுக்கிறார். அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஏழு சரணம் முடிஞ்ச அப்புறம் எட்டாவது சரணமா சமயானிக்கு எடுக்கிற அப்படி ஒரு பழக்கத்தில் இருக்கு. தேவகி ஔர் வசுதேவ் கோ பஹுத் சமய தக் கஷ்ட ஜெல்னே தியா. गोपिकाओं की मनोकामनाओं को पूर्ण न कर उनको ताना ही ताना दिया। दुष्टों का संग न कर, उन पर दया कर, दुख में धैर्य धारण कर, ऐसा उपदेश मात्र दिया। समीप आकर दर्शन नहीं दिए, पर मेरे मन श्री राम ने अंत में
बिना दर्शन दिए हुए ही मुझे सांत्वना दी और विपत्ति में धैर्य धारण करने की शिक्षा दी। हरे रामचंद्र रघुकुलेश मृदु सुभाष शेष शयन करन यशोदर राज विराज दुर्गराज राजनु तनि रामय कथन सरदी रुगत लक्षयनु चुवेड़ कुन्न नन्नुद जोगनु सयिन त्यागराज के दो और पंचरत्न कृति जो भक्ति सागर के अनमोल रत्न साबित हुए हैं उन्हें अगली कड़ी में प्रस्तुत किया जाएगा।